बनारस की तर्ज पर गोमती नदी के घाटों का होगा विकास, उद्गम स्थल पर होगी आरती। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक, भीड़ बढ़ने पर 24 घंटे खुले रहेंगे बाबा श्याम के कपाट। आस्था का केंद्र बना लखनऊ का हनुमंत धाम, हनुमान जी की 108 फीट लंबी मूर्ति का हो रहा है निर्माण। और यूएई में बन रहे पहले भव्य हिंदू मंदिर का काम लगभग पूरा, जल्द ही किया जाएगा मंदिर का उद्घाटन। नमस्कार, सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं गोमती के घाटों के बारे में। पीलीभीत के गोमती घाट जल्द ही रंग बिरंगी रोशनी से जगमग होगी। बनारस के घाटों की तर्ज पर गोमती के घाटों का विकास किया जाएगा, जल्द ही इन घाटों पर रोज आरती की व्यवस्था भी की जाएगी। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम मंदिर में यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर बाबा खाटू श्याम के दरबार 24 घंटे खुले रहेंगे। साथ ही मंदिर में यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए कदम भी उठाए गए हैं। लखनऊ में गोमती नदी के तट पर स्थित हनुमंत धाम का कायाकल्प तेजी से किया जा रहा है। इस धाम में करीब 400 साल पुरानी भगवान हनुमान की प्रतिमा अद्भुत है। यहीं पर भगवान हनुमान की 108 फीट लंबी मूर्ति बनाई जा रही है। इस धाम की खास बात यह है कि यहां पर हनुमान जी की 125,000 छोटी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हैं और सभी प्रतिमाओं की मुद्राएं और आकार अलग अलग हैं। दुबई के जेबेल अली इलाके में बन रहा पहला भव्य हिंदू मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मंदिर में 16 देवताओं का घर, एक ज्ञान कक्ष और एक कम्युनिटी सेंटर है। इस मंदिर में हवन के साथ साथ धार्मिक और निजी कार्यक्रमों के आयोजन की भी सुविधा होगी। अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में झूलन महोत्सव की धूम है। दिव्य और भव्य झूलन महोत्सव को देखने दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। इन्हीं मंदिरों में एक श्रीराम वल्लभा कुंज का झूलनोत्सव अपने आप में अद्वितीय है। यहां 27 फीट ऊंचा और 18 फीट चौड़ा चांदी का झूला लगाया गया है जो बेहद ही सुंदर है। इसकी पॉलिश सोने से की गई है। लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए गाजियाबाद में हिंडन बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। करीब 12 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पार्क का निर्माण का काम जल्द ही शुरू होगा। इस पार्क में बटरफ्लाई गार्डन, सोलर लाइट, वॉच टावर, फॉरेस्ट रेस्टोरेंट जैसी कई सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही यहाँ पर वनस्पति विज्ञान का रिसर्च सेंटर भी होगा। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। नमस्कार।